प्लेन की सीढ़ियां चढ़ते वक्त चौथी बार लड़खड़ाए बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साइड रेलिंग को पकड़कर खुद को संभाला। तालिबान ने अमेरिका से मांगे 3.5 अरब डॉलर। अमेरिका ने तालिबान कब्जे के समय जब्त किए थे पैसे। 9/11 में पीड़ितों को पैसा देना चाहता था अमेरिका। पंजाब में आप विधायक कोट पत्ता गिरफ्तार। विजिलेंस ब्यूरो ने आप विधायक को किया गिरफ्तार। कुछ समय पहले पीए की हुई थी गिरफ्तारी। पाकिस्तान के पीएम मंत्री नहीं लेंगे सैलरी। शहबाज शरीफ बोले बिजली पानी और गैस का बिल खुद भरे। ताकतवर फौज पर खामोशी। पीएम मोदी की पोस्ट बजट वेबिनार आज से शुरू। पहले दिन ग्रीन ग्रोथ के मुद्दे पर चर्चा हुई। 11 मार्च तक चलेगा कार्यक्रम। ताजिकिस्तान चीन में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 6.8 तीव्रता मापा गया भूकंप। अफगान चीन बॉर्डर के करीबी केंद्र। नोएडा में इनकम टैक्स के तीसरे दिन भी 72 स्थानों पर चल रही रेड। यूएफएलईएस से जुड़े पदाधिकारी का सेक्टर 33 में घर से। यूक्रेनी संसद ने पीएम मोदी के बयान का समर्थन किया। कहा यह जंग का युग नहीं है। उम्मीद है कि भारत की बात मानेगा रूस। अमृतसर में खालिस्तान समर्थक बंदूक तलवार लेकर पुलिस से भिड़े। हजारों की तादाद में थाने को घेरा। साथी की गिरफ्तारी का विरोध। तुर्की और सीरिया में सदी का सबसे खतरनाक भूकंप। 15 दिन में 7,000 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स। मृतकों की संख्या 47,000 के पार। बीजेपी नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा का राजनीति से संन्यास। कहा भगवान ने शक्ति दी तो 5 साल बाद भी भाजपा को सत्ता में लाने के लिए जोर लगाऊंगा। पाक में आतंकी घटनाओं की कवरेज पर रोक। अथॉरिटी ने कहा खबरों का फायदा उठा रहे आतंकवादी। मीडिया के जरिए अपनी ताकत दिखा रहे। जासूसी मामले में बीजेपी का दूसरे दिन भी प्रदर्शन। कई भाजपा कार्यकर्ता हिरासत में। आप मुख्यालय पर सीएम केजरीवाल का प्रोग्राम कैंसिल। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत। पीएम पर कमेंट के खिलाफ असम में केस। दिल्ली में विमान से उतरकर हुई थी गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले भाजपा कांग्रेस महाधिवेशन से डरी हुई है इसीलिए हमारे नेताओं को आने से रोक रही है।